सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बज्जी पैरट्स में। और दोस्तों, वादा किया था आपको मैंने जो अपने साई धाम बर्ड्स हाउस का वीडियो देखा था उसके अंदर कि मैं कैमरा लेने जाऊँगा और आपको प्रॉपर पूरा वीडियो आपसे शेयर करूँगा। बर्ड्स नहीं दिखाऊँगा इसके अंदर अपनी कैमरा परचेजिंग होने वाली है, तो एक व्लॉग टाइप का वीडियो मान के आप इसको चल सकते हो। और दूसरा, प्रॉपर ब्लॉगिंग चैनल अपना 50,000 सब्सक्राइबर आते ही लॉन्च होने वाला है। उसमें मैं जैसे ही लॉन्च करूंगा आपको अपडेट दे दूंगा, आपको सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही 1,000 सब्सक्राइबर वहाँ कंप्लीट होंगे उसके बाद ही मैं वीडियो छोड़ूंगा। वीडियो तो बहुत सारी बना के रखूंगा लेकिन 1,000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करोगे उसके बाद ही वहाँ पर डेली वीडियो आना चालू हो जाएगी। डेली एक वीडियो आपको देखने मिलेगी, सुबह 8 बजे आपको डेली व्लॉगिंग उसके अंदर देखने मिलेगी मेरी। तो जाएंगे हम कैमरे लेने, पहले सुबह सुबह शॉप पे आया हूँ। मेरे पापा यहाँ पर ऑलरेडी सुबह आ चुके होते, वो पूरा टेक केयर करते हैं शॉप का, और सुबह सुबह मोस्टली जो पार्सल वगैरह होते हैं उसके अंदर काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। आप देख रहे हो आज के जो है दोस्तों कॉम्बो वगैरह जो है, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें लोग ऑर्डर करते हैं वो सब पैक वगैरह करके रखते हैं, दुकान से ही पैकिंग वगैरह होती है, यहीं से पार्सल होता है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, सोचा यहीं से मैं एंट्री ले लूँ। अब जाऊँगा मैं कैमरा लेने शॉप में, जहाँ हम जाएंगे वहाँ प्रॉपर दिखाऊँगा कौन सा कैमरा मैंने लिया हुआ है और उसको लेने का क्या रीज़न था। 3 मैंने ऑप्शन रखे हुए थे, वोटिंग आप लोगों ने किया था, वो 3 में से मैंने कौन सा लिया हुआ है आपको मैं दिखाऊँगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट चलते हैं वहाँ शॉप पर, कैमरा परचेस करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों आ चुके हैं अपने शॉप पर। ये है मतलब कैनन के ऑथोराइज डीलर श्री सागर सेल्स नाम है और ये उनकी शॉप है। ये शॉप एग्जैक्टली पालेडी 4 रास्ता के ऊपर है, वो वहाँ आप देख रहे हो वो पालेडी 4 रास्ता है और ये सीधा रोड जो है एलिस ब्रिज की तरफ जाता है। यहाँ से आपको बीच में ही आना है, सामने दिख जाएगी श्री सागर सेल्स। चलिए अंदर चलेंगे। ऑलरेडी मैं 2-3 दिन पहले आया था यहाँ पर, थोड़ा अंकल का मतलब दिमाग खा के गया था मैं 2 घंटे क्या लेना है क्या नहीं। फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट इंक्वायरी कर लेंगे और फाइनली अपने कुछ ना कुछ ले लेंगे। दोस्तों हेलो अंकल, कैसे हो? बढ़िया। 5 मिनट में रिंग सर कॉल पे शायद अंकल, कान में हैंड फ्री है। हाँ बोलिए, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सॉरी उस दिन 2 घंटे आपका बहुत दिमाग खा गया, फिर से आ गया हूँ मैं। मैं एक्चुअली मैंने एक वोटिंग रखा हुआ था अपने YouTube चैनल पे, तो मैंने 3 उसके अंदर कैमरास लोगों को बताए थे। एक मतलब कैनन का Mark II और दूसरा DJI पॉकेट और GoPro बताया था, GoPro Hero 9। तो तीनों कैमरा अंकल मुझे एक बार फाइनली आप दिखा दीजिए, तीनों में से मैं एक फाइनल कर लेता हूँ और जो लूँगा कैमरा उसके साथ में कुछ एसेसरीज भी ले लूँगा। और इसके अलावा आपके पास क्या क्या और क्या अवेलेबल होता है, खासकर आप स्पेशलिटी आपकी क्या है वो आप थोड़ा बता दीजिए, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा आइडिया आएगा। चलो पहले तो ये है कि भाई आपने मेरे YouTube पे वीडियो लिया है वो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आजकल तो मार्केटिंग यही होता है, क्योंकि अपने जैसे करेंगे कि भाई ये एडवर्टाइज़ करे वो एडवर्टाइज़, इससे तो अच्छा है कि भाई ये एडवर्टाइज़ हो जाए तो ये बढ़िया हो जाता है। और यंग को तो यही पसंद होता है क्योंकि हाथ में मोबाइल और सामने कुछ भी लेना हो तो तुरंत देख सकते हैं। और आपने जो 2 घंटे वेस्ट किए ऐसा तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो कस्टमर का देखने का हक है और हमको बताने का हक है कि भाई तो ही कस्टमर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये दूसरी बार आप आए वो भी बढ़िया है कि भाई मैं भी आपको दिखा देता हूँ जो आपको आइटम चाहिए, तो आप देख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फाइनली फिर से अंकल का मैंने 1.5 घंटा दिमाग खाया, उसके बाद मैंने फाइनली एक चीज़ पे मैं आ गया हूँ और वो लिया है मैंने GoPro Hero 9। दोस्तों वोट हालांकि सबसे ज़्यादा मतलब कैनन Mark II को मिले हुए हैं, लेकिन GoPro 9 लेने की बात ये है कि इसको मैं अंडर वाटर भी यूज़ कर सकता हूँ, वो कैनन को मैं अंडर वाटर यूज़ नहीं कर सकता। दोस्तों स्विमिंग पूल में बहुत काम आएगा, उसके अलावा अभी आगे बहुत सारे अपने आपके भाई के प्लान है, स्कूबा डाइविंग वगैरह का प्लान है, तो उसके अंदर ये GoPro ही चलेगा, वो कैनन को लेकर मैं अंडर वाटर शूट नहीं कर सकता। और उसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी जो है वो दोस्तों सबसे लाजवाब है, यानी कि मैं इसको बाइक पे सामने जो हेलमेट पे लगा लूँगा, बाइक पे लगाऊंगा या फिर मैं बैग के ऊपर लगाऊंगा तो स्टेबल रहेगा और वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी और ज़्यादा मतलब हिलेगा नहीं। इस तरह अभी फ़ोन से मैं शूट करता हूँ, ये आखिरी वीडियो जो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, उसके बाद के सारे वीडियोज़ अपने GoPro Hero 9 से आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये रही दोस्तों कि इसका प्राइस जो है ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट यहाँ वहाँ मैंने सब जगह चेक कर लिया, 36,000 के ऊपर ही था और अंकल के पास मुझे ये मिला है केवल 32,000 में। ओनली कैमरा दोस्तों, ओनली कैमरा मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, ओनली कैमरा का आपको दाम बता रहा हूँ 32,000 का मुझे ये पड़ा है। साथ में मैंने कुछ एसेसरीज भी ली हुई है, दिखा देता हूँ। 2 बैटरी और एक चार्जर लिया हुआ है मैंने एक्स्ट्रा, ये 5,500 का पड़ा, 5,500 रुपये का 2 बैटरी और एक चार्जर। और इसके अलावा ये एक मैंने केज लिया हुआ है, ये केज बहुत काम आता है, अगर ये प्लास्टिक केज आपके पास नहीं है तो आप इसको कहीं भी माउंट नहीं कर सकोगे। देखिए जिस तरह ये नीचे ये आता है, ये माउंट करने के पिंस होते हैं और ये ऊपर हेडलाइट जो लगाने LED उसके लिए होता है, साइड में माइक के लिए अलग से दिया होता है पिन, क्योंकि इसके अंदर जो है 3.5
3.5 mm का जैक नहीं आता है, इसमें जो सी पिन लगाते हैं ये उस टाइप का आता है। तो अगर आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन, आपको माइक यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये लेना ही पड़ेगा। LED भी अटैच करनी है तो आपको ये लेना ही पड़ेगा दोस्तों। इसका मैं यूज़ आपको बता दूंगा यूज़ में किस तरह करने वाला हूँ। साथ में मैंने 128 GB का मेमोरी कार्ड लिया हुआ है और ये 160 MB की स्पीड जो आती है इसके अंदर, ये काफ़ी अच्छा है, फाइल ट्रांसफ़र करना इजी रहेगा। इसके अंदर एक 120 वाला भी आता है लेकिन मैंने 160 वाला लिया हुआ है, बहुत बढ़िया है ये। ये तकरीबन मुझे 1400 के आसपास पड़ा ऑनलाइन। ये भी काफ़ी महंगा था, ये भी काफ़ी महंगा था और ये भी काफ़ी महंगा था। GoPro की वेबसाइट पर तो बहुत ज़्यादा ही महंगा था और Amazon Flipkart पर मतलब ठीक ठीक रेट था, लेकिन अंकल के वहाँ मुझे उससे भी कम में मिल चुका। सो थैंक यू सो मच अंकल, बहुत अच्छी चीज़ दी आपने और बहुत कम दाम में दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को, आप यहाँ पर आइए और यहाँ से परचेस कीजिए, जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। अंकल ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, मार्क टू का कैनन भी उन्होंने खोल के मुझे दिखाया, बकायदा सील पैक पीस उन्होंने मुझे खोल के दिखाया हुआ है, और इसके अलावा जो दूसरे सारे मैंने बोले थे वो सब कुछ दिखाया इन्होंने मुझे। इनके पास हर तरह के दोस्तों एसेसरीज़ अवेलेबल होते हैं, हर तरह के कैमराज अवेलेबल होते हैं, निकन में, सोनी में, सब के अंदर ये, और ये कैरिंग बैग जो आते हैं वो भी सब इनके पास मिल जाएंगे। अलग अलग टाइप के मेमोरी कार्ड्स भी मिल जाएंगे, ये लाइट भी मिल जाएगी, ये आपको कैमरा के ऊपर लगाने वाली लाइट, ये माइक, और जो दोस्तों मैं आज तक यूज़ करता हूँ बोया का BY-M1 माइक जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये वो ये वाला माइक है, ये भी ये इनके पास अवेलेबल। और ये GoPro के लिए एक और आता है ज़बरदस्त, मैं ये भी लेने वाला हूँ, ये भी बहुत काम आएगा, ये भी बहुत बढ़िया है। अभी फ़िलहाल में मेरा इसका प्लान नहीं है। इसका क्या प्राइस रहेगा अंकल वैसे? ये है 1150 रुपये का। इसको मैं परचेस करूँगा शायद एक आध दो दिन बाद फिर से आऊँ मैं, क्योंकि ये भी मुझे चाहिए। ये अलग तरह से काम करता है और जो मैंने लिया है दोस्तों वो अलग तरह से काम करता है, दोनों का अलग अलग पर्पज़ है। और कोई एक हम लाइट ले लेंगे ताकि रात को शूट करने में ईजी रहे हमको। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ शॉप अच्छी लगी होगी। अंकल का नंबर और पूरा एड्रेस मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिए, यहाँ पे आइए, कैमरा परचेस करना हो तो बहुत अच्छी शॉप है, पालेटी 4 रास्ता के ऊपर है। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।